इकोनॉमिक अर्थ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कार्ल मार्क्स के अतिरेक मूल्य सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। जैसा कि हम जानते हैं, मार्क्स एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। दर्शन शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र के साथ साथ वो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। और हम जानते हैं कि डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने अध्यापन कार्य न करके पत्रकार के रूप में विश्व को कुछ देने का प्रयास किया। वे जानते थे कि पत्रकारिता के माध्यम से वो अपनी बातों को समाज में पहुंचा सकते हैं और उसके माध्यम से समाज को परिवर्तित करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं, और वैसा उन्होंने किया भी। एक पत्रकार के रूप में वो जीवन पर्यंत लिखते रहे, विविध विषयों पर बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे लेख उन्होंने लिखे। उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल, जिसका पहला वॉल्यूम उनके जीवन काल में और अगले दो वॉल्यूम उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए। उनका मानना था कि समस्त ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनैतिक घटनाओं के पीछे आर्थिक समस्याएं, आर्थिक घटनाएं होती हैं, और इस रूप में उन्होंने आर्थिक घटनाक्रम को ही अपना मुख्य विषय वस्तु बनाया और उसके माध्यम से पूंजीवाद में जो निहित बुराइयां थी, कमियां थी, शोषण की स्थितियां थी, समाज में भेदभाव की स्थितियां थी, और समाज का एक बड़ा वर्ग विपन्नता के स्थिति में था, उसे वो बदलना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने आर्थिक सिद्धांतों का सहारा लेके एक साइंटिफिक सोशलिज्म या वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने उन कारणों की बृहद व्याख्या की जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने पूंजीवाद के उद्भव, विकास और पतन और अंततः समाजवाद के उदय को देखा। तो आज हम लोग उनके आर्थिक विचार या आर्थिक विचारों का जो सबसे प्रमुख पहलू है और जिस पर उनका सारा सिद्धांत निर्भर है, सारी विचारधारा निर्भर है, उसे हम अतिरेक मूल्य के सिद्धांत के रूप में जानते हैं, थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तीन भागों में प्रकाशित हुआ और ये भी उनके मृत्यु के बहुत बाद में, जब उनके अनुयायियों और शिष्यों ने उनके नोट्स, उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट आदि को पढ़कर और इस सिद्धांत को या इस पुस्तक को एडिट किया, और पहले यह जर्मन में छपी और बाद में फिर इसके विविध भाषाओं में और मुख्यतः अंग्रेजी में अनुवाद हुए। उसी पुस्तक के आधार पर हम लोग बहुत ही सोच में उसका जो निचोड़ है उसको आज यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं।
मार्क्स मानता था कि समाज में दो वर्ग हैं या दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग को वो बोर्जियासिस कहता था, और दूसरे वर्ग को प्रोलेटेरिएट। तो इस प्रकार से दो वर्ग थे, एक वर्ग को वो बुर्जुआ वर्ग या पूंजीवादी वर्ग और दूसरे वर्ग को श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग के रूप में मानता था। पूंजीपति वर्ग का आकार बहुत छोटा था और अधिकांश जनता जो थी वो दूसरे वर्ग में सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आती थी। तो समाज दो भागों में बटा हुआ वो मान के चलता है। और फिर वो बताता है कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की मूल्य के संबंध में एक सिद्धांत था लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, जिसको मुख्यतः रिकार्डो ने और एडम स्मिथ ने प्रतिपादित किया था, और मार्क्स उसमें विश्वास रखते थे और मानते थे कि वास्तव में वस्तुएं सेवाएं जो निर्मित होती हैं उत्पादित होती हैं उसमें जो श्रमिक का हिस्सा लगा होता है श्रम घंटों के रूप में, श्रम दिवस के रूप में, जो श्रम लगा होता है उसी के आधार पर उस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। यही पर हम आपको ये भी बता दें कि मार्क्स मानते थे कि केवल उत्पादन के साधनों में केवल श्रमिक ही एक ऐसा साधन है जो मूल्य का सृजन करता है, वस्तुओं के मूल्य का सृजन करता है, अर्थात अपनी क्रियाओं के माध्यम से वह उत्पादकता का सृजन करता है, वैल्यू का सृजन करता है। श्रम के अतिरिक्त किसी साधन में ये गुण नहीं होता। और इस रूप में कहते हैं कि श्रम में एक अद्वितीय यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, और वो ये है कि वो मूल्य का सृजन करता है। यही वो बताते हैं कि पूंजी जो है वो मूल्य का सृजन नहीं करती। पूंजी जिसे हम लोग इक्विपमेंट और माल तो श्रम के अलावा जैसे जितने भी पदार्थ लगते हैं उत्पादन की प्रक्रिया में उन सब को वो पूंजी या एक तरह से हम कहें अचल पूंजी का नाम देता था। कांस्टेंट कैपिटल श्रम को वो परिवर्तनीय पूंजी या वेरिएबल कैपिटल कहता था, और कहता था कि जितने भी अन्य फिक्स्ड स्थिर साधन हैं वो मूल्य का सृजन नहीं करते, वो केवल अपने मूल्य को गोल जो उनका अपना मूल्य है उसको उत्पादन की प्रक्रिया में ऐड करते हैं, अर्थात जितना उनका मूल्य है उतना ही उत्पादन प्रक्रिया में वो जोड़ पाते हैं। लेकिन श्रम जो है जितना उसका मूल्य है उसकी तुलना में उससे ज़्यादा उत्पादन की प्रक्रिया में जोड़ता है, और इस प्रकार से वो मूल्य का सृजन करता है। वो मार्क्स ये भी का मानते हैं कि उत्पादन के जो साधन अर्थव्यवस्था में उस पर पूंजीपति वर्ग का अधिकार होता है। जो भी कच्चा माल है, जो भी पूंजीगत इक्विपमेंट्स हैं, जो भी भूमि है, तो इस प्रकार से उत्पादन की प्रक्रिया में जितने भी ये लगने वाले पूंजी पदार्थ हैं उन सब पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। और इसी जो पूंजीगत पदार्थ हैं जिस पर उनका अधिकार है इसी अधिकार के बल पर वो उत्पादन प्रक्रिया से लाभ प्राप्त करते हैं, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्री रिकार्डो हैं, मार्थस हैं,
श्रम की मजदूरी के बारे में उनकी एक राय थी, जिसे हम एक सिद्धांत का नाम देते हैं, और जिसे कहा जाता है जीवन निर्वाह स्तर मजदूरी। इनका ये मानना था कि श्रमिकों को उनकी जो मजदूरी होती है उतनी दी जानी चाहिए जितना उनके जीवन निर्वाह का स्तर है। न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, और जिसका अर्थ ये होता है, मार्क्स जो कहता है कि एक तरह से ये उनका जो है कास्ट ऑफ रिप्रोडक्शन है। कास्ट ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि श्रमिक वर्ग को उतना मिलना चाहिए जितना मिल जाने पर अगले दिन उसकी उत्पादकता उतनी बनी रहे जितनी वो पहले थी, रिप्रोड्यूस हो जाए वो, ताकि वो आने वाले दिनों में फिर उसी तरह के काम कर सके। अगर उससे कम दिया जाएगा तो उसकी जो पुनरुत्पादकता है, शक्ति जो उत्पादन करने के शक्ति उसमें होती है वो कम होगी, और कम होगी तो उत्पादन प्रक्रिया में वो कम काम करेगा, तो इससे पूंजीपतियों का नुकसान होगा। इसलिए वो कहते हैं कि जो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल है, जो न्यूनतम जीवन निर्वाह का स्तर है, वो प्राप्त करने के लिए जितनी मजदूरी न्यूनतम आवश्यक है उतनी मजदूरी श्रमिकों को दी जाए ताकि वो जिंदा रहे और अगले दिन फिर काम करने लायक बना रहे। तो ये एक तरह से कास्ट ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, उनके जीवित रहने या अगले दिनों में उत्पादन करने की स्थिति या क्षमता बनी रहे, इसलिए उतनी मजदूरी दी जाए। और यहाँ पर रिकार्डो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का सहारा लेके कहते हैं कि ये जो जीवन निर्वाह स्तर की मजदूरी है वो स्थिर बनी रहेगी, और स्थिर बनी रहने का जो कारण देते थे वो माल्थस के सिद्धांत के आधार पर देते, और कहते थे कि अगर मजदूरी दर इससे कम कर दी जाएगी तो श्रमिक वर्ग जो है वो हो सकता है कि मतलब उनके जीने भर को खाना न मिल पाए जीवन निर्वाह स्तर तक, तो जनसंख्या कम हो जाए और ऐसी स्थिति में जीवन निर्वाह स्तर मजदूरी बढ़ेगी क्योंकि श्रमिकों की पूर्ति कम होगी। और मानते थे कि अगर इससे ज़्यादा दे दिया जाएगा तो भरण पोषण के लिए उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, इस नाते जनसंख्या में वृद्धि होगी, और जनसंख्या में वृद्धि होगी तो अंततः मजदूरी दरें फिर गिर जाएंगी और जीवन निर्वाह स्तर के बराबर हो जाएंगे। लेकिन मार्क्स इसमें विश्वास नहीं रखते थे। मार्क्स ये कहते थे कि जीवन निर्वाह स्तर पर मजदूरी बने रहने का कारण दूसरा है, और वो कारण ये है कि अर्थव्यवस्था में निरंतर बेरोजगार श्रमिकों की मात्रा बनी रहती है, और ऐसा इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद के निरंतर विकसित होने के कारण होता है, उस पर अभी हम विस्तार में जाएंगे। तो यहाँ पर जो कारण है, मार्क्स ये कहते हैं कि पूंजीवाद में जो जिस तरह से पूंजीपति लाभ कमाते हैं और जिस तरह से पूंजी विनियोजित करते हैं और जिस प्रकार से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पूंजी प्रदान विधियों का प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, उसके कारण होता ये है कि बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में सदैव बनी रहती है। और इसी को कहता था कि एक बेरोजगारों की या औद्योगिक श्रमिकों की एक रिजर्व आरक्षित सेना हरदम रहती है, और जब इतने बेरोजगार अर्थव्यवस्था में हरदम बने रहते हैं तो न्यूनतम जो आपका सब्सिस्टेंस निर्वाह जीवन निर्वाह का स्तर है उससे मजदूरी बढ़ने नहीं पाती। तो ये उनके कहने का दूसरा कारण है। तो इस प्रकार से कारण भले अलग हो, लेकिन माल्थस भी मार्क्स भी इसमें विश्वास रखते हैं कि जीवन निर्वाह स्तर मजदूरी पर ही मजदूरी पूंजीपति जो है कि श्रमिकों को मजदूरी देते हैं, और इस मजदूरी दर पर या जीवन निर्वाह स्तर पर जितनी भी श्रमिकों की पूर्ति मांग की जरूरत उनको होती है उतनी पूर्ति हो जाती है, अर्थात जीवन निर्वाह स्तर मजदूरी पर श्रमिकों की पूर्ति पूर्णतया लोचदार है,
इस मजदूरी दर पर जितना भी श्रमिक पूंजीपतियों को चाहिए उतने श्रमिक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध उनको हो जाएंगे, और यही सामान्य स्थिति होती है। आगे मार्क्स से कहते हैं कि कभी कभार हो सकता है कि अति अल्पकाल में कभी ऐसा हो जाए कि जीवन निर्वाह स्तर से ज़्यादा मजदूरी हो, लेकिन ये क्षणिक स्थितियाँ होती हैं, ये इनको हम सामान्य स्थिति नहीं मानते, और ये तुरंत ऐसी क्रियाएं होंगी जो मजदूरी दर जो फिर है जीवन निर्वाह स्तर के बराबर हो जाएगी। तो इस रूप में एक और बात मानते हैं क्लासिकल अर्थशास्त्री भी और मार्क्स भी कि पूंजीवाद या आर्थिक विकास के लिए पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी का संचयन एकोमिलेशन ऑफ कैपिटल एक तरह से अनिवार्य है, एक तरह से वो आर्थिक विकास का प्राइम मूवर है, अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की वो धुरी है, और इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था में या औद्योगिक जो प्रगति है उस व्यवस्था में पूंजी का संचयन जो है वो एक तरह से अनिवार्य है, और इस रूप में पूंजी के संचयन का आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन संकल्पनाओं के अंतर्गत एक तरह से मार्क्स ने यह भी दिखाने का प्रयास किया कि जो राष्ट्रीय आय होगी या जो देश का कुल उत्पादन है, जब अर्थव्यवस्था में दो ही वर्ग हैं पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, तो पूंजी राष्ट्रीय आय भी इन्हीं दो वर्गों के बीच में बढ़ती है, और इस तरह से राष्ट्रीय आय के जो दो अंग होते हैं, एक लाभ का अंग होता प्रॉफिट का अंग जो पूंजीपतियों को मिलता है, और जो अवशेष बनता है जिसे मजदूरी का अंश कहते हैं वो श्रमिकों को प्राप्त होता है। तो राष्ट्रीय आय दो भागों में विभाजित होती है। इन पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम लोग अब मार्क्स के अतिरेक मूल्य सिद्धांत की चर्चा कर सकते हैं, और जैसा कि मार्क्स कहते हैं कि केवल श्रमिक ही ऐसा साधन है जिसमें मूल्य सृजन की क्षमता होती है, और जितना उसका अपना मूल्य होता है उसकी तुलना में वह अधिक मूल्य का सृजन करता है, लेकिन जो ये अतिरिक्त मतलब जितनी उसकी लागत है या जितनी उसकी हम कह सकते हैं कि अपनी जो शक्ति है उसकी तुलना में अगर वो ज़्यादा उत्पादन करता है तो वो उत्पादन उसको मिलना चाहिए, लेकिन ये जो अतिरिक्त उत्पादन श्रमिक करता है वो इसको प्राप्त नहीं होता, वो अतिरिक्त उत्पादन पूंजीपतियों के हाथ में जाता है। तो इसी जो अतिरिक्त उत्पादन है जो श्रम अपने मूल्य से अतिरिक्त उत्पादन करता है उसी को मार्क्स सरप्लस वैल्यू कहते हैं, अतिरिक्त मूल्य कहते हैं, और इस अतिरिक्त मूल्य को समझाने के लिए वह तीन अवधारणाओं का उल्लेख करते हैं। एक है कांस्टेंट कैपिटल स्थिर पूंजी, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो स्थिर पूंजी के अंतर्गत भूमि है, भवन है, संयंत्र हैं, इक्विपमेंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, इन सबको हम सम्मिलित करते हैं, और इनको मार्क्स स्थिर पूंजी कहता है, इसको वो सी से डिनोट करते हैं, तो सी जो है वो कांस्टेंट कैपिटल है। दूसरी जो पूंजी है या जो उसको वो श्रमिक वर्ग वो उसमें सम्मिलित करता है, या जो श्रम की सेवाएं हैं या जो श्रम का मूल्य है, और इस प्रकार से इसको वो परिवर्तनीय पूंजी कहता है, वेरिएबल कास्ट कहता है, और इसको वी से दिखा सकते हैं हम लोग। तो ये श्रम है जो उत्पादन प्रक्रिया में लगता है, और यहाँ हम आपको बता दें कि श्रमिक को जो पेमेंट होता है, भुगतान किया जाता है पूंजीपतियों द्वारा,
मौद्रिक रूप में हम वही कह सकते हैं कि वही उनका योगदान है उत्पादन की प्रक्रिया में, या इसी को मास जो है वो लेबर पावर कहता है। लेबर पावर का मतलब कि श्रमिकों की वो शक्ति जो उत्पादन प्रक्रिया में लगी है, या श्रमिकों को उत्पादन प्रक्रिया के लगने के बदले में जो भुगतान किया जाता है। और ये भुगतान क्योंकि उनको जीवन निर्वाह स्तर के बराबर किया जाता है, इस नाते वी जो है वो जीवन निर्वाह स्तर के बराबर जो उनको पारिश्रमिक दिया जाता है उसे हम वी कहते हैं, वेरिएबल कास्ट कहते हैं। और यही लेबर पावर को भी डिनोट करेगा, और यही एक नाम हमने इसके पहले भी कास्ट ऑफ रिप्रोडक्शन को भी बताएगा कि श्रमिकों को कितना पेमेंट किया जाता है, वो पेमेंट उनके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर है, वो पेमेंट उतना है जितना करने के बाद अगले दिन या 22 दिनों में वह उतना ही काम फिर करने लायक बने रहें। तो ये जीवन निर्वाह स्तर के बराबर जो मजदूरी मिलती है उनको, वो वी के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि श्रमिक की जो लेबर पावर है और जो यहाँ पर उसके मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल के बराबर है, वो उसकी तुलना में ज़्यादा उत्पादन करता है, और जितना ज़्यादा उत्पादन करता है उस अतिरिक्त उत्पादन को उत्पादन का एक अंग माना जाए। उत्पादन का एक अंग है स्थिर पूंजी, उत्पादन का दूसरा अंग है परिवर्तनीय पूंजी, और अब जो अतिरिक्त उत्पादन हुआ है, जैसा हमने कहा कि जो स्थिर पूंजी है वो अपने मूल्य को ट्रांसफर केवल करती है, जितना उसका मूल्य है उत्पादन प्रक्रिया में उतना ही जुड़ता है। जो वेरिएबल कैपिटल है, जो श्रम है, वो अपने मूल्य से अतिरिक्त उत्पादन प्रक्रिया में जोड़ता है। तो जितना ये अतिरिक्त जोड़ता है, वो अभी तो जुड़ा नहीं उत्पादन प्रक्रिया में, एक जुड़ी कैपिटल कांस्टेंट कैपिटल सी, दूसरे जुड़े वेरिएबल कैपिटल। लेकिन श्रम ने जितना उत्पादन किया है उसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा तो उसकी श्रम शक्ति के बराबर है जो उनके मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल के बराबर है, लेकिन जो और उत्पादित किया है उसको वो कहता है ये सरप्लस वैल्यू है, जिसको वो एस से डिनोट करता है, जो श्रमिक अपने जो उसकी लेबर पावर है, जो उसके सब्सिस्टेंस लेवल की मजदूरी है, या जितना श्रमिक को भुगतान किया गया है उसकी तुलना में उससे ज़्यादा उत्पादन करता है, और उसका नाम दिया गया सरप्लस वैल्यू, और उसको उसने एस से डिनोट किया। तो इस प्रकार से अब कुल उत्पादन के तीन अंग हो गए, एक स्थिर पूंजी वाला अंग, एक परिवर्तनीय पूंजी वाला अंग, और एक एस जो सरप्लस वैल्यू को डिनोट करता है, जिसको श्रमिक ने अपनी उस अद्भुत या आप कह सकते हैं अद्वितीय शक्ति के कारण उत्पादित किया है जो उसमें होती है, जिसको मार्क्स कहता है कि उसमें वैल्यू क्रिएट करने की अद्वितीय क्षमता या अद्वितीय विशेषता होती है, जो उत्पादन के किसी अन्य साधन में नहीं होती, और उसी के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त मूल्य का सृजन होता है। तो इस प्रकार से कुल उत्पादन को तीन भागों में हम कंपोनेंट में भागों में बांटेंगे, और जो अगर जोड़ेंगे तो कुल उत्पादन का मूल्य होगा सी प्लस बी प्लस एस। और अगर क्योंकि कैपिटल ने उतना ही योगदान किया है स्थिर पूंजी ने, जितना वो थी उतना मूल्य में उनका जुड़ गया है, कुछ अतिरिक्त नहीं जोड़ा, और उत्पादन हम उसको कहते हैं जो अतिरिक्त जुड़ता है। तो इस रूप में कहा गया कि जो नेट प्रोडक्शन होगा, शुद्ध उत्पादन होगा, अगर हम कुल उत्पादन में से स्थिर पूंजी को घटा दें तो जो मिलेगा ये वैल्यू एडेड या शुद्ध उत्पादन होगा, और उस शुद्ध उत्पादन या नेट प्रोडक्शन को यदि हम दिखाएँ तो हम कुल उत्पादन में से सी या कुल स्थिर पूंजी को घटा दें तो घटाने के बाद ये नेट प्रोडक्शन मिलेगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो सी प्लस वी प्लस एस होगा, और नेट प्रोडक्ट जो होगा वो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इनमें से सी को घटाएंगे, और जब सी को घटाएंगे तो केवल वी एस बचेगा, तो नेट प्रोडक्ट होगा वी प्लस एस। और नेट प्रोडक्ट को हम नेट नेशनल इनकम का नाम दे सकते हैं, और इसको वाई से डिनोट कर सकते हैं, और इस प्रकार से वाई के दो अंग होंगे वी और एस। और यस जो होगा वाई में से, अगर कुल उत्पादन में से जब हम ये श्रमिकों के लिए जाने वाला हिस्सा भी जो उसके न्यूनतम मजदूरी निर्वाह स्तर के बराबर घटा देंगे तो जो बचेगा उसको हम सरप्लस वैल्यू या मूल्य अतिरिक्त कहेंगे, अतिरिक्त मूल्य कहेंगे। अब
मार्क्स कहता है कि ये जो श्रमिक अतिरेक मूल्य का निर्माण सृजन करता है ये उसको नहीं मिलता। ये पूंजीवादी या पूंजीपति लोग जो हैं, पूंजीपति वर्ग जो है, वो उससे ले लेते हैं, छीन लेते हैं। और छीन इसलिए पाते हैं क्योंकि उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार है और बिना उन उत्पादन के साधनों के उपयोग किए हुए कोई उत्पादन हो नहीं सकता। और ऐसी स्थिति में श्रम के पास केवल उसका अपना श्रम है और अपने केवल श्रम से वो कुछ नहीं कर सकता। इस रूप में ये निर्बल पड़ जाता है और पूंजीपति जो है सबल पड़ता है। और इस नाते पूंजीपति अपने इस जो शक्ति उसके पास है कि उत्पादन के सभी साधन, भौतिक साधन उसके हाथ में हैं और उसका उपयोग करके जो हक श्रमिक वर्ग का है और जिसने अतिरिक्त मूल्य का सृजन किया है, उस अतिरिक्त मूल्य को पूंजी वर्ग हड़प लेता है, श्रमिक वर्ग से छीन लेता है। और ये सरप्लस वैल्यू जो है वो इसी सरप्लस वैल्यू के आधार पर वो पूंजी का संचयन करता है, पूंजी को बढ़ाता है। और हम जानते हैं कि पूंजी का संचयन करेगा तो इसी से पूंजी से अगले चरण में वो आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक विकास को तीव्र करके और लाभ प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार ये सरप्लस वैल्यू जो है वो पूंजीपति ले लेता है, यद्यपि वो श्रमिकों को मिलना चाहिए था। अब यहीं पर मार्क्स जो हैं तीन और तथ्यों का उल्लेख करते हैं जो ये दिखाने में हमारा देखाएगा कि किस प्रकार से पूंजीवाद का विकास होता है और किस प्रकार से श्रमिकों का पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों द्वारा शोषण होता है। तो एक को कहते हैं जो सरप्लस वैल्यू है उसकी दर क्या है, अर्थात अतिरिक्त मूल्य की दर क्या है, और ये है रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू। और रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू को वो यस अपान वी से दिखाते हैं। वी का मतलब है कि श्रमिकों को जो मजदूरी मिलती है, जो जीवन निर्वाह स्तर वाली न्यूनतम मजदूरी है वो, और जो अतिरेक है वो यस है, जो वो अतिरिक्त मूल्य का सृजन करते हैं। तो क्योंकि मूल्य का सृजन यही करते हैं और इस नाते उसने कहा कि जितना इनको मिलता है और जितना ये अतिरिक्त सृजन करते हैं, इन दोनों को अनुपातों को हम अतिरिक्त मूल्य की दर कह सकते हैं, रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू कह सकते हैं। और क्योंकि ये सरप्लस वैल्यू मिलना चाहिए श्रमिकों को और मिल जाता है पूंजीपतियों को या छीन लेते हैं वो, तो कहते हैं कि उनको मिलता कितना है, भी उनको मिलना कितना चाहिए, यस और अतिरिक्त मूल्य भी। तो कितना इनका छीना जाता है, तो मिलता है भी छीना जाता है एस। तो इस दर को मार्क्स ने कहा ये श्रमिकों के शोषण की दर है, क्योंकि श्रमिकों का जो हक था यस पर वो पूंजीपति छीनता है। ये होना नहीं चाहिए था, ये अन्यायपूर्ण है, लेकिन क्योंकि वो छीनता है इस नाते एक तरह से जो श्रमिकों का हक वो उस पर वो ले लेता है और इस तरह से श्रमिकों का वो शोषण करता है। श्रमिक जितना उत्पादन करता है उसका एक हिस्सा पूंजीपति छीन लेता है उससे। और इस रूप में अगर हम देखें तो यही ये प्रॉफिट इसको कहता है वो यस, जो पूंजीपति लेता है, और जो वी है जो श्रमिकों का अंश है। इस प्रकार से वो कहता है कि ऊपर वाला प्रॉफिट का अंश है और नीचे वाला मजदूरी का अंश है, और इस नाते इस दर को हम प्रॉफिट के अंश और मजदूरी के अंश के रेशियो के रूप में भी देख सकते हैं, रेशियो प्रॉफिट शेयर एंड वेज शेयर। और ये राष्ट्रीय आय के, पूरी राष्ट्रीय आय के दो हिस्से हैं, एक पूंजी का, एक प्रॉफिट का हिस्सा यस, और दूसरा मजदूरी का हिस्सा है वाई। और जाहिर है कि एस में अगर वृद्धि हुई तो ये शोषण ज़्यादा हो को दिखाएगी, और पूंजीपति का ये प्रयास होगा कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके और श्रमिकों का अधिक से अधिक शोषण करे। जितना ही शोषण करेगा उतना ही उसका लाभ अधिक होगा, उतना ही पूंजी संचयन में वृद्धि होगी। तो पूंजीपति ये प्रयास करता है, और इस दर के माध्यम से अगर एस का मूल्य बढ़ता है तो हम देखेंगे कि श्रमिकों का शोषण होगा उससे, और उस पर जो अर्थव्यवस्था पर आगे प्रभाव पड़ेंगे वो आगे की चर्चाओं में हम देख सकते हैं। और दूसरी वो कहता है रेट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को तो सरप्लस वैल्यू के रूप में ही देखता है, और कुल पूंजी को वो सी प्लस वी के रूप में देखता है। और इस प्रकार से कहा कि कुल पूंजी लगी थी इतनी और उस पर प्रॉफिट हुआ यस,
इस नाते जो लाभ की दर है वो एस अपान सी प्लस वी के रूप में देखी जा सकती है। नीचे कुल पूंजी है सी प्लस वी और ऊपर है कुल मूल्य अतिरिक्त अतिरिक्त मूल्य या जिसे हम लाभ कह सकते हैं। तो इस तरह से लाभ की दर को इस प्रकार से दिखाया और इसी लाभ की दर को एक दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसने करके देखा कि अगर दोनों पक्षों को वी से हम भाग दें तो ये एस अपान वी हो जाएगा और यहाँ दोनों पक्षों में भाग देंगे तो सी अपान वी अपान वी होगा, तो सी अपान वी अपान वी ये करके एक हो जाएगा और ये सी भी होगा, ये ऐसे होगा, तो अंतिम में ये रूप आ जाएगा जिसमें एस अपान वी को हम बटा वन प्लस सी अपान वी के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे लाभ की दर को ऐसे लिख सकते हैं, इसी को बदल के ऐसे लिख सकते हैं और जब ऐसे लिखेंगे तो एक नया टर्म हमारे सामने आ गया। ये एस अपान वी तो यहाँ आया हुआ है जो अतिरिक्त मूल्य की जो दर है या जो शोषण की दर है, लेकिन ये जो नया टर्म आया सी अपान वी, इसमें ये कांस्टेंट कैपिटल है और नीचे वाली वेरिएबल कैपिटल है, तो ये कांस्टेंट कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल का एक अनुपात है। इस अनुपात को मार्क्स ने एक नया नाम दिया और कहा कि ये पूंजी की एक संरचना है जिसमें स्थिर पूंजी और वेरिएबल पूंजी दोनों के संरचना को दिखाया जा रहा है कि कुल पूंजी में कितना कितना इनका हिस्सा है, और इसको उसने एक नाम दिया ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। तो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल तो ये पूंजी की एक जैविक संरचना है और इस संरचना को इस रूप में दिखाया जा सकता है सी अपान बी के रूप में, और जिसको हम कह सकते हैं कि ये स्थिर पूंजी और परिवर्तनीय पूंजी का अनुपात है। और क्योंकि सी ऊपर है, इसके घटने से पूंजी का अनुपात घटेगा कुल पूंजी में, इसके बढ़ने से कुल पूंजी में पूंजी का अनुपात बढ़ेगा। इस नाते इसको कैपिटल इंटेंसिटी भी कह सकते हैं कि पूंजी की प्रधानता को या पूंजी की गहनता को भी ये दिखाएगा अनुपात। तो इस अनुपात को जब उसने नाम ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का नाम दिया और ये सी भी जो है अपने इस जगह जिस भी जगह पर जहाँ पर है वो उसके माध्यम से वो इस रेट ऑफ प्रॉफिट को प्रभावित करेगा और रेट ऑफ प्रॉफिट को प्रभावित जिस रूप में करेगा वो उत्पादन के उन चरणों पर निर्भर करेगा। मार्क्स कहता है कि सामान्य तौर पर सी के बढ़ने पर लाभ की दरें बढ़ती हैं और जब विकास की प्रक्रिया में होता है पूंजीवाद, और जब आर्थिक विकास बड़ी तेजी से इस पूंजीवादी प्रक्रिया में पूंजीवादी विधियों के प्रयोग के माध्यम से बढ़ता है, वैसी स्थिति में जैसे कैपिटल एक्युमुलेशन ज़्यादा होगा जितनी ही पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा उत्पादन में तेजी से वृद्धि होगी, लेकिन एक सीमा में अंततः ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर ये प्रभावित करेगा, लेकिन उस स्थितियों में सामान्य तौर पर जो है ये लाभ की दर को प्रभावित करता है। और पूंजीवाद के अंतिम स्थितियों में जब मांग बहुत कम होगी वस्तुओं की और सारी पूंजी संचित हो जाती पूंजीपतियों के पास, और तब जब लाभ की दरें गिरती हैं, वैसी स्थिति में पूंजी का संचय जितना ज़्यादा होगा मांग अर्थव्यवस्था में उतनी ही कम होगी, और क्योंकि मांग कम होगी लाभ की दरें गिरेगी, पूंजी उत्पादन प्रक्रिया में लगाई नहीं जाएगी, ऐसी स्थितियों में पूंजी का संचयन जो है वो लाभ की दरों को गिराएगा, वो पूंजीवाद के अंतिम स्थिति में होगा। लेकिन सामान्य तौर पर पूंजी के संचयन से या ऑर्गेनिक कंपोजिशन में पूंजी की इंटेंसिटी से जो है कैपिटलिज्म में जो है ये मूल्य तेज बढ़ता है, पूंजीपतियों के लाभ बढ़ते हैं। यहाँ पर अति संक्षेप में हम आपको बता दें कि पूंजीवाद में पूंजीपति जो है अपने इस अतिरिक्त मूल्य को या अपने लाभ को बढ़ाने के लिए तीन इस तरह की विधियों का प्रयोग और करता है जिनके माध्यम से अपने लाभ को अधिक से अधिक बढ़ा करके वो कैपिटल को एक्युमुलेट करके और अपने लाभों को और तेज़ी से बढ़ाने का प्रयास करता है, और जैसे जैसे उसका एक्युमुलेशन बढ़ेगा पूंजी को वो निरंतर नई नई विधियों का प्रयोग करेगा, नई टेक्नोलॉजी नई मशीनें, और ये जब सब करेगा तो पूंजी प्रधान विधियों के प्रयोग के कारण जो है श्रमिकों की बेरोजगारी बढ़ेगी और श्रमिक जो है उत्पादन क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे। आगे की प्रक्रिया में हम ये भी देख सकते हैं कि जब कंपटीशन होता है पूंजीपतियों में लाभ को प्राप्त करने के लिए नई नई विधियों का ये निरंतर प्रयोग करते हैं, तो वैसी स्थिति में जो छोटे उद्योग
वाले जो होते हैं या जो हाथों से काम करने वाले उद्योग होते हैं उनमें से वो कंपटीशन में टिक नहीं पाते और ये एक तरह से सब बेरोजगार होते चले जाते हैं। तो बेरोजगारों की मात्रा ये फल निरंतर बढ़ती जाती है जिसके कारण मजदूरी जो है न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर के ऊपर बढ़ने नहीं पाती है। ये सब प्रक्रिया आगे होगी लेकिन ये जो तीन कारण है मेथड्स हैं एक्सप्लॉयटेशन के या अपने अतिरिक्त को बढ़ाने के लिए, पहला है कि वर्किंग डेज या वर्किंग आवर्स को बढ़ा देना, श्रमिकों से ज़्यादा काम लेना और जिसके कारण इस अतिरिक्त को बढ़ाया जाए। दूसरा होता है कि काम के घंटे उतने ही रखो लेकिन उनके काम की इंटेंसिटी बढ़ा दो, उनसे काम और तेज़ी से काम करवा लो और ऐसी स्थिति में पूंजीपति जो है उन पर दबाव डाल के ये प्रयास करते हैं और ताकि लाभ कमाया जा सके, अतिरिक्त बढ़ाया जा सके। लेकिन मास का आता है ये दोनों विधियाँ उतना प्रभावी नहीं होती और ये अल्पकालिक हो सकती हैं थोड़े दिनों के लिए थोड़े लाभ कमाने के लिए। जो सबसे कारगर तरीका है वो तीसरा है जिनमें क्रिटिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या लेबर की उत्पादकता बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूंजी प्रदान विधियों का नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है जिससे उत्पादक श्रमिक की उत्पादकता बढ़ जाए और उत्पादक बढ़ने से उनके लाभ बढ़ें और जितना ही ये अतिरिक्त मूल्य का सृजन होगा उतना ही पूंजीपतियों का लाभ बढ़ेगा और जितना उनका लाभ बढ़ेगा उतना पूंजी संचयन होगा, जितना पूंजी संचयन होगा उसके आधार पर पूंजीवाद या आर्थिक विकास की गति उतनी ही तीव्र पकड़ेगी। लेकिन अंतिम चरण में वो पूंजीवाद का पतन देखता है जहाँ वर्ग संघर्ष होगा, जहाँ पर ये बेरोजगार श्रमिकों की एक सेना खड़ी हो जाएगी और जहाँ पर इतना शोषण इनका होगा कि ये भुखमरी और विपन्नता के स्थिति में श्रमिक चले जाएंगे। वैसी स्थिति में मार्क्स कहता है कि मरता क्या न करता वाली स्थिति होगी और ये जो श्रमिक वर्ग है एक बहुत बरकरार रूप लेगा क्योंकि जो छोटे छोटे उद्योगपति या जो हैंडीक्राफ्ट जिन जो थे जो आर्टिजन दस्तकार में या हाथों से काम करने वाले लोग थे या छोटे छोटे जो उद्योग थे ये सब ट्रेडिशनल जो परंपरावादी उद्योग थे ये सब नष्ट हो जाएंगे और सब श्रमिकों की श्रेणी में भरते चले जाएंगे। और इस प्रकार जब एक विपन्नता दयनीयता और भुखमरी की स्थिति श्रमिकों में आएगी तो इकट्ठा होंगे वो और विद्रोह होगा, सामाजिक संघर्ष और अंततः पूंजीवाद का पतन होगा। वो दूसरी स्थिति एक स्थिति है लेकिन वो इसी प्रक्रिया में इसी कैंप सोशल सरप्लस वैल्यू को बढ़ाने के चक्कर में ये सारी स्थितियाँ होंगी और मार्क्स इस प्रकार से ये दिखाने का प्रयास करता है कि यहाँ पर भी पूंजीवाद के जो उत्थान का और विकास का मार्ग है वो ये सरप्लस वैल्यू है, आर्थिक कारण है जिसमें वो अपने लाभ को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करता है और उस निरंतर बढ़ाने के प्रयास में श्रमिकों का जो शोषण होता है वो एक ऐसी स्थिति में समाज को ला देगा कि अंत में